क्या कोई अघोरी मार्ग है? निश्चित रूप से है। यह भी बहुत सक्रिय आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ताजा शव में कुछ संभावनाएं होती हैं, तो कुछ प्रणालियां उसका इस्तेमाल करती हैं। अगर आप वाकई मुर्दे को जिंदा होते और उस तरह की चीजें देखना चाहते हैं, तो यही वो लोग हैं। अघोरी का मतलब है घोर, मतलब भयानक। अघोरी का मतलब है जो भयानक से परे हो। तो क्या कोई अघोरी मार्ग है? निश्चित रूप से है। यह भी बहुत सक्रिय आध्यात्मिक प्रक्रिया है। लोग अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं कई अलग अलग चीजें करने के लिए। A recently dead body has certain possibilities. ताजा शव में कुछ संभावनाएं होती हैं, तो कुछ प्रणालियां उसका इस्तेमाल करती हैं। तो वो ये करते हैं कि मर चुके शरीर में अभी प्राण बाकी होता है, तो वो वहां बैठे होते हैं। अगर आप मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट जाएं, वहां अघोरी बैठे देखते रहते हैं। जो कोई भी वहां आता है, वो उससे पूछते हैं, इस आदमी की उम्र कितनी है, वो कैसे मरा। इसलिए कुछ लोग जो नहीं चाहते कि ये पता चले, वो प्लास्टिक की शीट से उन्हें ढक देते हैं, ताकि लोग उसे देख न सकें। उस आदमी की उम्र कितनी है वो नहीं बताएंगे, लेकिन अघोरी जानना चाहते हैं। अगर वो एक युवक है जो एक प्रचुर जीवन था और वो किसी वजह से मर गया, वो उस तरह का शव चाहते हैं। जब ऐसा होता है तो वो वहां काम करना चाहते हैं। वो उस ऊर्जा का लाभ उठाना चाहते हैं जो निकलती है। जब शरीर जलने लगता है तो इस प्राण को तुरंत बाहर निकलना होता है। जब वो बाहर निकलता है, वो उस जीवन ऊर्जा का लाभ उठाकर अपने साथ कुछ करना चाहते हैं। अगर आप उसका विज्ञान नहीं जानते, आप बस ये नहीं सोच सकते कि ये सब अजीब है। हाँ, ये कुछ करने का एक चरम तरीका है। ये हर किसी के लिए नहीं है। कोई ऐसा रास्ता क्यों चुनेगा? क्योंकि वो जीवन को अच्छे और बुरे की तरह नहीं देखते। वो बस जीवन को परम प्रकृति की ओर एक संभावना के रूप में देखते हैं। वो कैसे की परवाह नहीं करते। वो परवाह नहीं करते कि वो वहां कैसे पहुंचेंगे। अघोर कभी भी सामाजिक रूप से स्वीकार्य मार्ग नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग जो चीजें करते हैं, वो आपकी किसी भी कल्पना से एकदम परे है। तो वो तमाम तरह की चीजें करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, अगर आप वाकई मुर्दे को जिंदा होते और उस तरह की चीजें देखना चाहते हैं, तो यही वो लोग हैं। ये बहुत, मैं कहूंगा कि क्रूड टेक्नोलॉजी, अपरिपक्व तकनीक है। अगर आप एक तकनीक के तौर पर आध्यात्मिकता की सभी प्रणालियों को देखना चाहते हैं, तो ये बहुत अपरिपक्व तकनीक है, लेकिन फिर भी एक तकनीक है। ये काम करती है, लेकिन अपरिपक्व है। देखिए, अब अगर आप पानी खोजना चाहते हैं, आप खाली हाथों से कुआं खोद सकते हैं, या आप सब्बल और फावड़े से खोद सकते हैं, या किसी और तरह के और बढ़िया बर्मों का इस्तेमाल करके खुदाई कर सकते हैं, या आप एक ड्रिलिंग मशीन से खुदाई कर सकते हैं। आज आप वास्तव में उसे लेजर से कर सकते हैं। ये महंगा है, इसलिए कोई नहीं करता, वरना आप लेजर से कुआं खोद सकते हैं। वही कुआं, वही पानी, लेकिन आपका तरीका अलग है। तो अगर आप खाली हाथ से उसे करते हैं, तो जब तक आप पानी पिएंगे, आपके हाथों में कोई नाखून या त्वचा नहीं बचेगी, लेकिन आपको परवाह नहीं है, क्योंकि आपको बहुत प्यास लगी है। आपको बहुत प्यास लगी है, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया भी होने वाली है। But still you don't care. You don't want to look anywhere except where the water is. You just want to go. लेकिन फिर भी आपको परवाह नहीं है। आप कहीं नहीं देखना चाहते सिवाय इसके कि जहां पानी है, आप बस वहां जाना चाहते हैं। अगर आप वैसा कुछ करना चाहते हैं, तो हाँ,
लेकिन उस तरह की चीज में समस्या ये है कि जब तक आप पानी तक पहुंचेंगे शायद आपके हाथ घिस के खत्म हो जाएं। लोग पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहुंचे। लोगों ने खाली हाथों से कुएं खोदे हैं और पानी निकाला है। लेकिन अगर आपके पास उतने मजबूत हाथ नहीं हैं, तो जब तक आप पानी तक पहुंचेंगे वो हड्डियों तक घिस जाएंगे और आपकी त्वचा उतरने के बाद शायद आपके पास और खोदने की ताकत ना बचे। तो वो ऐसे मार्ग हैं जिन पर अगर हजार लोग गंभीरता से चलें तो शायद कोई एक सफल हो, बाकी खो जाएंगे। इन मार्गों को आमतौर पर आध्यात्मिक आयाम से अधिक तंत्र शक्तियां पाने के लिए अपनाया जाता है, इसीलिए वो उस मार्ग पर जाते हैं। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में भी ये एक संभावना है, लेकिन ज्यादातर लोग शायद वहां तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ज्यादातर लोगों में उस तरह की लगन नहीं होती, न उनमें उतना साहस होता है, ना ही वो घिन को संभालने में सक्षम होते हैं, क्योंकि अघोरी मार्ग पर आपको सबसे घिनौनी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसे लोग वो चीजें करते हैं जो कुछ शक्तियां हासिल करना चाहते हैं, जीवन पर हावी होना चाहते हैं, दूसरे लोगों पर हावी होना चाहते हैं। उस संदर्भ में हाँ, ये सक्रिय और असरदार मार्ग रहा है। ये कुछ लोगों के लिए एक सक्रिय और असरदार आध्यात्मिक प्रक्रिया भी रहा है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे लोग इस तरह के मार्गों पर टूट जाएंगे, वो बस टूट जाएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग तरह का होना होता है। वो उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप जिस चीज से नफरत करते हैं वो उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को पसंद करते हैं और किसी चीज को नापसंद करते हैं, आपने अस्तित्व को बांट दिया है, और जब आपने अस्तित्व को बांट दिया है तो आप उसे गले नहीं लगा सकते। तो वो कर रहे हैं जिसे आप सहन नहीं कर पाएंगे, जो आपके लिए सबसे घिनौना है उसी को वो दोस्त बनाएंगे, क्योंकि वो इसे दूर करना चाहते हैं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। उनके लिए सब बराबर है। ये ब्रह्मांड को गले लगाने का एक तरीका है।